आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजी 2023 से 27 के लिए अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हो, चाहे वो CUET के मार्क्स के बेसिस पर कराए या फिर 12th के मार्क्स के बेसिस पर कराए, दोनों स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाला हो, जिस डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ, अगर इनमें से कुछ भी अगर आपका मिस्टेक हो जाता है तो यूनिवर्सिटी हमेशा ताक में रहती है आपके फॉर्म को रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं होगा यूनिवर्सिटी का जो सीट होता है कुछ सीटें दूसरे जगह फिक्स रहती है। मैं इसको वीडियो में खुल के नहीं बता सकता हूँ, आप समझ सकते हो। तो उनके लिए कुछ बच्चों को रिजेक्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा भी मिस्टेक है। लेकिन जब तक हम है मौजूद YouTube में, तब तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। पूरा वीडियो देखिएगा कंप्लीट, भले ही आप लोग एडमिशन नहीं लिए हो या फिर लेने वाले हो, पूरा वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, ठीक है। पूरे डिटेल्स एक्सप्लेन कर दूंगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, किसका फोटोकॉपी लगेगा, किसका ओरिजिनल लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि जो फोटोकॉपी होता है, ठीक है, जो सेल्फ अटेस्टेड वाला होता है, दोनों को सेम मान लेते हैं, जबकि दोनों में डिफरेंस होता है। याद रखिएगा क्या डिफरेंस होता है, उसको भी डिटेल से बताएंगे। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, मैं आपको 2023 से 27 वाले सेशन के लिए, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, सभी के लिए यही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका क्या लगेगा डॉक्यूमेंट, ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर पर आपका चांसलर पोर्टल एडमिशन फॉर्म। चांसलर पोर्टल के द्वारा जो एप्लीकेशन आप लोग फॉर्म भरते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, फाइनल सबमिट करते हो, फाइनल सबमिट करने के बाद जो प्रिंटआउट निकलवाते हो, उसका प्रिंटआउट यहां पर लगेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, उसको कलर में निकलवा लीजिएगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं निकालिएगा। आगे यहां पर देखिए, दूसरे नंबर पर पेमेंट रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फी RS 100। जब यहां पर आपने चांसलर पोर्टल में एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, उसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिला होगा, भले ही आपने 2-3 कॉलेज के लिए अप्लाई किया होगा, और 2-3 कॉलेज के लिए अगर आपने अप्लाई किया होगा तो यहां पर भी 100 रुपये लगाओगा, यहां पर भी 100 रुपये लगाओगा, और यहां पर भी 100 रुपये लगे होंगे। लेकिन आप तीनों कॉलेज में तो एडमिशन नहीं करवाओगे, आपको सिर्फ एक ही कॉलेज में एडमिशन करवाना है। तो जिस कॉलेज का आप एडमिशन करवाने के लिए जाओगे, उस कॉलेज का जो पेमेंट आपने किया होगा, उसी का रिसिप्ट क्या कर लेना है, प्रिंटआउट निकलवा लेना है, ठीक है। तो इसका आपको रिसिप्ट वहां पर मांगेगा। तीसरे नंबर पर ओरिजिनल CLC या फिर TC। बहुत सारे स्टूडेंट को अगर CLC बोला जाता है, CLC सर्टिफिकेट लाइए, तो उनको समझ में नहीं आता है, यहां तक कि मुझे भी शुरू शुरू में समझ में नहीं आया था। लेकिन CLC का ही मतलब होता है TC। TC मतलब जैसे ही आप 12th से, आप अपने कॉलेज से निकले होंगे इंटरमीडिएट वाला, फाइनल सर्टिफिकेट लेके वहां पर आपको TC मिला होगा, ठीक है, वही TC आपको क्या करना होगा, जमा करना होगा, वो भी ओरिजिनल, उसका फोटोकॉपी नहीं लेके जाइएगा, ओरिजिनल TC ही जमा करना होता है, ठीक है। और इस TC का कम से कम आप लोग 2-3 फोटोकॉपी करके रख लीजिएगा अपने पास, भविष्य में अगर कहीं भी कुछ काम आता है तो उस फोटोकॉपी से काम चला सकते हो। आगे यहां पर देखते हैं, फोर्थ नंबर, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट। अब यहां पर पहले समझ लेते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड होता क्या है, फोटोकॉपी होता क्या है। किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर आप लोग फोटोकॉपी करवाते हो तो वो फोटोकॉपी कहलाता है। लेकिन अगर आप उस फोटोकॉपी के नीचे अपना साइन कर देते हो, ठीक है, सिग्नेचर, अपना नाम वहां पर दर्ज कर देते हो, तो वो फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड कहलाता है, ठीक है। जब वो पहले फोटोकॉपी था वो डॉक्यूमेंट, उसकी मान्यता सिर्फ एक फोटोकॉपी कागज के भांति था, लेकिन जैसे ही आप वहां पर अपना सिग्नेचर करते हो, वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है, यानी वेरीफाई हो जाता है कि ये आपका ही डॉक्यूमेंट है। इसीलिए जहां पर भी जिस डॉक्यूमेंट के पहले सेल्फ अटेस्टेड लिखा रहेगा, समझिए कि आपको उसका फोटोकॉपी करवा लेना है, और उसके नीचे जहां पर भी खाली आपको मिले वहां पर अपना साइन कर देना है। अब सिग्नेचर इस तरीके से नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, जैसे तैसे आपको अपना नाम वहां पर लिखना होगा, और ये आपका एक कॉपी लगेगा, ठीक है। इसके बाद आगे यहां पर देखिए, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। अच्छा, ये जो एग्जामिनेशन मार्कशीट है वो किस क्लास का लगेगा, तो 12th का लगेगा, ठीक है, 12th का ही लगेगा। इसके बाद 5 नंबर में देखिए, पांचवा डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या मांगा जाएगा, तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, यानी 12th में आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ होगा। किसी भी स्ट्रीम से अगर आप विलोम करते हो तो आप उसका फोटोकॉपी करके उसमें साइन करके सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, आपका एक कॉपी लगेगा, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पर ध्यान से देखिएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, और ये आपका ओरिजिनल लगेगा, इसका फोटोकॉपी करके नहीं रखिएगा, ना ही फोटोकॉपी जमा कीजिएगा, वरना फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये किस स्टूडेंट के लिए रिक्वायर्ड है वो ध्यान से समझिएगा, अगर जैक बोर्ड के अलावे किसी दूसरे बोर्ड से हो, ठीक है, और अगर आप दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हो तो ये सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा। लेकिन अगर आप जैक बोर्ड से हो और झारखंड स्टेट से ही बिलोंग करते हो और आप झारखंड के यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन करवाना चाहते हो तो ये सर्टिफिकेट आपका नहीं लगेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। आगे यहां पर 7 नंबर ध्यान से देखिएगा, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, यानी 10th बोर्ड वाला जो आपका मार्कशीट होगा उसका भी फोटोकॉपी करके नीचे साइन कर लेना है, यानी सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, और उसको भी आपको जमा करना होगा। अब ये क्यों लगेगा, तो फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी यहाँ पर जितने भी आपने डॉक्यूमेंट दिए उन सभी में मैट्रिक वाला जो मार्कशीट है उसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उससे मैच करेंगे। अगर यहाँ पर सभी का डेट ऑफ बर्थ मैच हो जाता है, इसका मतलब आपका यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट सही है। इसके बाद 8 नंबर पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपको जो भी कॉलेज से सीट मिले होंगे, हो सकता है आपको रिजर्वेशन के तहत अगर सीट मिले होंगे, यानी आपको OBC के तहत मिला होगा, कट ऑफ कम होगा, या फिर SC के लिए भी मिला होगा, या फिर ST के लिए भी मिला होगा, तो आपके लिए एक कास्ट सर्टिफिकेट होगा।
उस कास्ट सर्टिफिकेट को बनवा लीजिएगा या फिर पहले से बनवाए होंगे तो उसका भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। उसका फोटोकॉपी कर लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो भी आपका लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ नीडेड, यानी कुछ कुछ कॉलेज में लगता है, कुछ कुछ कॉलेज में नहीं लगता है, लेकिन मेरा मानना है अच्छे अच्छे कॉलेज में लगता है, ठीक है। तो आप लोग इसको बनवा के रख लीजिएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट पहले से भी बनवा लिए होंगे, इसके रिगार्डिंग भी मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और लगता है जो यहाँ पर लिखा नहीं है, आधार कार्ड, ठीक है। कई कई कॉलेज में आपको आधार कार्ड भी मांगेगा, तो याद रखिएगा आधार कार्ड का भी आप लोग फोटोकॉपी करवा लीजिएगा और उसका सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, ठीक है, यानी नीचे साइन कर दीजिएगा अपना, ठीक है। अगर कॉलेज में मांगेगा तो ठीक है, नहीं मांगेगा तो आप उसे नहीं दीजिएगा। और अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो मेरा न्यू चैनल है वहां पर आपको सिलेबस वाला वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसको जाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक जो है ना चैनल का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।